हम खबर देंगे हैदराबाद से कि हटरी थाने की हदूद गोट नूर खान चांग में पुलिस मुकाबला हुआ। दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पुलिस अहलकार जग्गू मिल भी जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमीदुर रहमान, बताइएगा इससे मुतालिक आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये हटड़ी थाने की हदूद है जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। गोट नूर खान चांग लिंक रोड पर ये मुकाबला हुआ है, जिसमें पुलिस ने दो डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। डाकुओं की जो शिनाख्त है वो अली मुराद और सौराब चाचड़ के नाम से हुई है, जबकि इस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जग्गू मल भी जख्मी हुआ है। जख्मी डाकुओं को और जो पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि डाकुओं का जो ये गिरोह है ये डकैती की वारदातों में मुलव्वस था। गुज़श्ता रोज हटड़ी थाने की हदूद में अब्दुल वाहिद खोसो के घर में डकैती की वारदात भी इन लोगों ने की थी और डाकुओं के कब्जे से उस डकैती की वारदात में लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमीदुर रहमान।